साउथ फिल्मों की खूबसूरत और दिलकश एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी अपना 31वां जन्मदिन मना रही हैं। कभी बॉलीवुड की मशहूर चाइल्ड एक्ट्रेस रही हंसिका ने पैपरा जी के साथ भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। पिंक और व्हाइट ड्रेस में वो गजब की खूबसूरत लग रही थी। आपको बता दें कि इन दिनों एक्ट्रेस की शादी की चर्चाएं भी जोरों पर है। खबर है कि हंसिका साउथ के एक बिजनेसमैन से शादी रचाने जा रही हैं। आपको बता दें कि हंसिका कभी बॉलीवुड की मशहूर चाइल्ड आर्टिस्ट हुआ करती थी। ऋतिक रोशन की फिल्म कोई मिल गया में उन्होंने उनके फ्रेंड का किरदार निभाया था। हिंदी के दर्शकों के लिए हंसिका मोटवानी आज भी शाका लाका बूम बूम की करुणा है। हंसिका ने टीवी पर देश में निकला होगा चांद से लेकर क्योंकि सास भी कभी बहू थी और सोनपरी जैसे सीरियल्स में खूब पॉपुलैरिटी बटोरी। वहीं साल 2007 में वो बतौर एक्ट्रेस फिल्मों में दिखने लगी। हंसिका ने अल्लू अर्जुन के ऑपोजिट तेलुगु फिल्म देसा मुद्दूर से बड़े पर्दे पर डेब्यू किया। उसी साल 2007 में जब वो हिमेश रेशमिया के साथ फिल्म आपका सुरूर में आई तो उन्हें देखकर लोग चौंक गए। अचानक बच्ची देखने वाली हंसिका बड़ी हो गई। साल 2003 में वो बाल कलाकार थी और 2007 में वो बतौर हीरोइन लॉन्च हो गई। 4 साल में हंसिका के इस ट्रांसफॉर्मेशन ने सबको चौंका दिया था और ये खबर फैल गई कि हंसिका ने हार्मोनल इंजेक्शन लिए हैं। खुद को उम्र से अधिक बड़ी दिखाने की उनकी इस ललक के पीछे उनकी माँ मोना मोटवानी को जिम्मेदार ठहराया गया। माँ पर सवाल उठे कि उन्होंने बेटी को जवान बनाने के लिए ये सब किया। उनकी माँ ने उन्हें 16 साल की उम्र में मैच्योर और जवान दिखाने के लिए हार्मोनल इंजेक्शन लगवाए थे। दावा किया गया कि हंसिका की माँ चाहती थी कि उनकी बेटी जल्द से जल्द हीरोइन बन जाए और इसी वजह से उन्होंने अपनी बेटी को ये इंजेक्शन दिलवाए। इस वजह से माँ बेटी की काफी आलोचना भी हुई। उस वक्त ना तो हंसिका और ना ही उनकी माँ ने कभी इस बारे में सफाई दी। आरोपों पर दोनों ने ही चुप्पी साध ली। हंसिका मोटवानी का जन्म मुंबई के एक सिंधी परिवार में हुआ था। उनके पिता प्रदीप मोटवानी एक बिजनेसमैन है जबकि माँ मोना मोटवानी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। हंसिका मोटवानी ने मुंबई के ही पोड्डार इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई की है। स्कूल के दिनों में ही उन्होंने 2001 में शाकाला का बूम बूम से करियर की शुरुआत की। इसके बाद वो ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा की फिल्म कोई मिल गया में भी नजर आईं। हंसिका मोटवानी के एक्टिंग करियर का सबसे बड़ा सपोर्ट उनकी माँ मोना ही है। दिलचस्प बात यह है कि माँ के डर्मेटोलॉजी क्लिनिक में ही पहली बार हंसिका के एक्टिंग करियर पर चर्चा शुरू हुई थी और इसका बड़ा कारण जूही चावला है। असल में जूही चावला अपने त्वचा संबंधी परेशानियों के लिए हंसिका की माँ मोना के क्लिनिक आती जाती रहती थी। जूही चावला की नज़र जब प्यारी सी हंसिका पर पड़ी तो उन्होंने उनकी माँ को सुझाव दिया कि उन्हें बेटी को एक्टिंग करियर के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हंसिका मोटवानी ने जब चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर 2001 में करियर की शुरुआत की तो उनकी उम्र 10 साल थी। इस दौरान उनके माता पिता के रिश्तों में भी खटास बढ़ रही थी। इसका असर ये हुआ कि 2004 में हंसिका के पिता और माँ ने अलग होने का फैसला कर लिया। माता पिता के तलाक के बाद वो माँ के साथ रही और आज वो जो कुछ भी है अपनी माँ की बदौलत ही है। हंसिका साउथ की जानी मानी एक्ट्रेस हैं। अब तक वो 47 फिल्मों में नजर आ चुकी हैं।